वो हमको पर्सनली ये बोले थे आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं कि नहीं, अगर चाहते हैं तो हम आपको स्पेशली ट्रेनिंग देंगे, पर्सनली ट्रेनिंग देंगे, आइए मेरे पास, हम इधर से सब करवा देंगे, इवन आपका गवर्नमेंट जॉब भी हम सेट करवा देंगे, क्यों नहीं आते हैं? ना उधर सुनने को रेडी है ना इधर सुनने को रेडी है, अभी हम लोग पे लाठीचार्ज करने का बोला है, हम लोग क्या करें बताइए आप? हम बोले सर हम नाइट ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, इनका कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये बोले मत जाना, एब्सेंट मार्क होगा और कुछ नहीं होगा, एक मिनट, ये बोले सिर्फ एब्सेंट मार्क होगा। सर हम मतलब बस हमको प्लीज एक्सक्यूज मी, सीरियसली बुरा नहीं सर, मतलब लीव एंट्री वगैरह करना उसको बोला है, इतने बच्चे बोले बुरा लग रहा है कि नहीं? हम एक्सक्यूज नहीं, बस सीरियसली बताए बुरा लग रहा है? बुरा लगेगा जो गलत चीज के लिए, तो बुरा तो लगेगा ना। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, मतलब हेमंत सरकार आपकी परेशानी आपके घर तक पहुंच कर निपटाएंगे, क्या यह एक जुमला भर है? क्योंकि सीएम तक कोई अपनी फरियाद लेकर पहुंचना चाहता है तो उस पर पुलिस के डंडे बरसाए जाते हैं। ऐसा ही हुआ है इरबा के अब्दुल रजाक शाइन पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। दरअसल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर जा रहे थे, लेकिन छात्रों को सीएम हाउस से 15 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। वे सभी सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर अपने कॉलेज के अनियमितताओं और कुप्रबंधन का भंडाफोड़ करना चाहते थे। दरअसल इसके पहले कॉलेज प्रबंधन से परेशान एक स्टूडेंट्स ने पंखे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश की। यह घटना रांची के इरबा स्थित अब्दुल रजाक शाइन पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज की है। घटना की जानकारी होते ही कॉलेज के छात्र आक्रोशित हो गए और इसकी शिकायत करने सैकड़ों की संख्या में छात्र सीएम हाउस की ओर कूच कर गए, लेकिन छात्रों को सीएम हाउस से 15 किलोमीटर पहले ही बौड़िया रिंग रोड के पास रोक दिया गया। छात्रों ने बताया कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल भी प्रयोग किया। हम विश्वजीत, केशव, प्रिंस भैया और एक विक्टर, उसको थाना पे ले जाके लॉकअप में बंद कर दिया गया था। मारा गया? थोड़ा बहुत मारा गया था सर। क्या बोला गया? बोला गया कि तुम लोग ये सब नौटंकी क्यों कर रहे हो, जबकि हम लोग कुछ नहीं किए थे, हाथ उठाना उधर से शुरू हुआ। और क्या क्या रखा गया? फोटो आइडेंटिटी वगैरह रखा गया, फोन उन छीन लिया गया था। क्या बोला गया? फोन उन छीन लिया गया था हम लोग का, फिर बाद में जब यहाँ से प्रेशराइज हुआ तो हम लोग को फोन उन दिया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रबंधन पर यौन प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। टॉर्चर हम लोग को दिया जा रहा है, कहीं से हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं, ना उधर सुनने को रेडी है ना इधर सुनने को रेडी है, अभी हम लोग पे लाठी चार्ज करने का बोला है, हम लोग क्या करें बताइए आप? एक स्टूडेंट रास्ते में कब आता है? जब उसके ऊपर टॉर्चर होता है, वो सही नहीं पाता है, उस टाइम आता है। और लोग डीएम ऑफिस तक काहे नहीं जाने दिया? डर है। क्यों डर है? गलती किया है इस वजह से डर है। अगर गलती कोई इंसान नहीं करेगा तो कैसे डरेगा? हम लोग गलती नहीं किए है इस वजह से जा रहे थे, वो गलती किया है ये लोग, इसलिए रोकने आया है इधर में कि आप लोगों को ये फैसिलिटीज देंगे वो फैसिलिटीज देंगे, लेकिन एट द एंड हम लोग बस फाइन भरते हैं विदाउट एनी रीजन। यही मैम है जो हम लोग से बात करती है एडमिशन के टाइम में, लेकिन क्या मैम भी चल जाती है, हम लोग अकेले रह जाते, ना फैकल्टी परमानेंट है ना कोई यहाँ पे, लेकिन हम लोग के साथ टॉर्चर होता है, मेंटल हैरेसमेंट करता है, गंदा गंदा बात बोलता है। अब गंदा गंदा में आप सोच लीजिए क्या क्या गंदा होगा। तबियत खराब है, 1000 ले मम्मी से, पूरा दिन बस गई थी बस। कब फोन किया? छुट्टी के लिए एक दो बार फोन किया करते। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की आवाज सुनते हैं या फिर इन्हें अनसुना छोड़ देते हैं? आपकी समस्याओं का समाधान के लिए पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बैठ के बात करने के लिए जा रहे हैं। इस संबंध में आपसे पहले भी वार्ता हो चुकी है, आपसे आग्रह है कि आप अपने कॉलेज में लौटें, पुलिस के साथ में सहयोग करें, पुलिस आपके साथ में सहयोगात्मक रवैया रखती है।